सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। सचिन पायलट का ये बयान राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की तरह है। माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद खत्म हो गया है। दरअसल गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई थी। राजस्थान के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया था। लगभग 4 घंटे की चर्चा के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बात की और कई बड़े बयान दिए। सचिन पायलट ने कहा कि बैठक में सभी ने आत्मविश्वास दिखाया है कि मेहनत से सरकार को रिपीट किया जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं, और हमें लगता है कि राजस्थान में जो बहुत राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को दर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री, सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, और उसके पश्चात 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसका भी फर्क इस पर पड़ेगा, और हम लोग अच्छी संख्या में। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ मुद्दों को लेकर सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। बैठक के बाद पायलट ने कहा कि जो भी मुद्दे उन्होंने पिछले दिनों में उठाए हों उनका संज्ञान कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है, साथ ही इस पर कार्रवाई करने की रूपरेखा भी बनाई गई है। मैंने जो इश्यूज उठाए थे पब्लिक में, पेपर लीक के इशू हम लोगों ने उठाए थे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो यंग लोगों को प्रभावित करता है। हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको हम कैसे रिफॉर्म करें, उसको कैसे और पुख्ता बनाएं, कैसे पारदर्शी बनाएं और जवाबदेही बनाएं। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे उन सब बातों को मैंने कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था, और मुझे खुशी है उन सभी बातों को, उन सभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह AICC ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है, और सभी पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे की रूपरेखा बनाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों के इश्यूज, करप्शन के इश्यूज, और हमारी जो संस्था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी हम कैसे और जवाबदेही और ऐसे लोगों को वहाँ बिठाएं जो एक अच्छे बैकग्राउंड से आए, ताकि लोगों के मन में, जहन में कॉन्फिडेंस हो नौजवानों में जब वो इंटरव्यू देने जाएं, एग्जाम देने जाएं। इन तमाम इश्यूज पर पार्टी ने संज्ञान लिया है और उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भाई भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो करप्शन हुआ है और जो हम पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। भाजपा के कार्यकाल में जो तमाम करप्शन हुए हैं उस पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई भी करेगी, और मैं ऐसा मानता हूं कि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो जन जन को प्रभावित करता है। इस इशू को कांग्रेस पार्टी इलेक्शन इशू बनाएगी और उसको लेकर आगे जाए। पार्टी की ओर से नई भूमिका दिए जाने की खबरों पर सचिन पायलट ने क्या कहा, आप भी सुनिए। पिछले 2 दशक से ज्यादा मुझे जो जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, केंद्र में दी है, राज्य में दी है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संगठन की जिम्मेदारी दी हो, जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी निष्ठा से मैंने निभाया है। आने वाले समय में जो भी खड़गे जी, राहुल जी, हमारे AICC जो निर्णय लेगी, जो रोल मुझे अदा करना होगा, उस पर जो भी हमारी पार्टी निर्देश करेगी उस पर हम काम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।